यूवी उठो, उठो यूवी, वहां तुम्हारी माँ ने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है, यहाँ पर तुम चैन से सो रहे हो, उठो उठो। गेट अप, सोने का समय नहीं है, गेट अप, वेक अप मैन। मैं ना पानी डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर, यूवी उठो। मासी क्या यार, सुबह सुबह चैन 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 चैन, रिलैक्स, ऐसे चैन चैन करते हैं क्या? बाय गेटिंग सो हाइपर। सपित्रा ने काम ही ऐसा किया है, धोखा दिया उसने हमें। उसने हमारे दुश्मन वो बेल और विक्रम से जाके हाथ मिला लिया। क्या? पता नहीं ऐसा कल क्या हुआ है कि सुमित्रा का मन ही बदल गया। हाँ, अब हमारा क्या होगा? उस बेला का मुकाबला सिर्फ सुमी कर सकती थी और सुमी ने जाके बेला से हाथ मिला लिया। अब हमारे लिए कौन खड़ा होगा, कौन लड़ेगा हमारे लिए? उन लोगों के सामने हम कुछ भी नहीं, उनकी ताकतों के सामने हम कुछ भी नहीं। एक सेकंड, I don't believe this. देखो, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। तुम बेला और विक्रांत से कैसे हाथ मिला सकती है? धोखा है ये। यही तो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, सीधे सीधे अपने आप निदोग वंश का कर्तव्यता बना लो और सबसे कह दो कि तुम ही निदोग वंश के नागराज हो। देखो यूवी, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज चलो जल्दी उठो, उठो प्लीज, प्लीज जल्दी करो। युवराज, कुछ पता भी है तुम्हारी मॉम सुमित्रा ने यहाँ हम सबको इकट्ठे यहाँ क्यों बुलाया? अपने दुश्मनों को भी। अरे यार, कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी पता होगा तो हम बताएंगे ना, क्या गुल खिलाने वाली पता नहीं। अरे क्या यार, आप लोगों ने मुझे सोने भी नहीं दिया। लेकिन मैं तो जाग गई, अब तक सो रही थी लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। आपको मैंने तो जगाया था, आप भूल गए क्या? जब आप वाटर टैंक में स्विम करते करते सो गई थी, मैं इस सुपर मैन बन के आया था, आप भूल गई क्या? सच कह रहा है माहिर, तूने बचा ली, वरना तेरी माँ तो डूब ही जाती। बोला था ना, बदल गई। बेटा, मैं तुम दोनों से भी माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने जो भी किया तुम लोगों के साथ बहुत बुरा, बहुत गलत किया बेला। आप प्लीज मुझसे नहीं, विक्रांत से माफी मांगिए। नहीं बेला, प्लीज मुझे कहने दो। आज जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो करने से पहले तुमसे माफी मांग लूँ बेटा, क्योंकि वो बिल्कुल सही नहीं। करने वाली हूँ उसके लिए पहले से ही माफी मांग रही हूँ। सॉरी बेला, मुझे माफ कर दे। गिरा क्यों दिया बेला को? अरे लग जाएगी उसको माँ। अरे क्या हुआ बेला, चोट तो नहीं आई? बहुत जोर से झटका लगा ना, जमीन खिसक गई तुम्हारे पैरों के नीचे। चोट तो लगी होगी पर क्या करूं, अच्छा भी लग रहा है। यो सो मीन, आपने उसको गिरा दिया। ये क्या तरीका है मॉम, ये क्या किया आपने? ये मेरा तरीका है उन लोगों को जवाब देने का जो मुझसे गद्दारी करते हैं। अरे तुम लोगों को क्या लगा था मैं बदल गई हूँ, मेरा दिल पसीज गया? मैं जिसके पास दिल ही नहीं है? तुम लोग कितने पॉजिटिव हो यार, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढते हो। अमेजिंग यू गाइस, टू गुड मॉम, टू गुड। मुझे पक्का है कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ही करोगे। ब्रिलियंट। एक तू ही है मेरे लाल जो अपनी माँ के असली चेहरा पहचानता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आ विशाखा, आओ और मुझे बताओ कि नागमणि कहाँ है। आओ और आकर बचाओ अपने दो प्यारों को। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तुम सामने नहीं आए तो इन दोनों को भी तुम्हारे ही पास पहुंचा दूंगी। आओ और मुझे नागमणि का पता बताओ।
आज अगर तुम सामने नहीं आई ना तो ये सारे के सारे मारे जाएंगे। सुमित कुक और अनंत खाना कौन बनाएगा? बात तो कभी कभी तुम समझदारी की करती हो। इस कुक की तो जरूरत है। वैसे भी विशाखा को उसकी क्या फिक्र होगी? फिक्र तो उसे इन दोनों की होगी ना। एक काम करते, सिर्फ इन दोनों को मार देते। विशाखा, जहां पर भी हो बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, वरना ये दोनों को भी तुम्हारे ही पास पहुंचा दूंगी। कहां हो तुम विशाखा? ओ, तो तुम आ रही हो? गुड। ये तो विष है। क्यों बुलाया मुझे? अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। देखा रो, इस रूह को बुलाने के लिए मुझे जादू टोना जंतर मंतर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस मैंने बुलाया और ये चली आई। अब घूर क्या रही हो? चलो इन सबको बताओ कि तुम हो क्या असल में। मैं यहाँ आने के लिए तैयार हुई हूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं। ये तो विशाखा की आवाज है, इसका मतलब वो यहाँ आ गई। हमें जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना होगा। मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा इन लोगों के साथ। बेचारे ही अंदर डिस्को डांस कर रहे हैं। जाने दो इन्हें, निकालो इन्हें यहां से। विशाखा, क्यों बेकार में सबके लिए मुश्किलें बढ़ा रही हो? तुम इन मुश्किलों को बहुत ही आसान कर सकती हो। बस मुझे बता दो कि नागमणि कहां है ना? तो ये बेचारे अपने असली रूप में आने की कोशिश कर रहे हैं और ये तुम्हें लगता होगा कि अरे क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तक तो धरती फाड़ कर नागरानी को बाहर आ जाना चाहिए था। ये तो नागरानी के लिए सबसे आसान काम है ना, पर अफसोस आज वो बेचारी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। अरे ये तो हॉट है, इसमें से तो बहुत धुआं आ रहा है, इसको अंदर मत डालना, मेरी बेला जल जाएगी। देखा विशाखा, एक पागल को इतनी आसानी से समझ में आ गया कि अगर ये लावा अंदर जाएगा तो अंदर जो भी है वो जल के भस्म हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात तुम नहीं समझ रही? क्यों नहीं समझ जाती कि ये मर जाएंगे जब तक तुम नागमणि का पता नहीं बताओगे? इतना मत सोचो, मौत को इंतजार करने की आदत नहीं होती। जब वो आती है, जिसे लेने आती है उसे फौरन लेके चली जाती है। सही कहा, सीधा फौरन ऊपर।